अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू बुल्स एंड बियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा हसीब। डेटेड 11th ऑफ अप्रैल वेंसडे आफ्टरनून, इट मींस मार्केट का थर्ड डे ऑफ ट्रेडिंग। मार्केट ट्रेंड आज ओपनिंग से ही काफी पॉजिटिव दिखाई दिया। ओपनिंग में हमने देखा कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दिया और ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट के पॉजिटिव दिखाई दिए। इंट्राडे हाई बनाया मार्केट ने 46,759 पॉइंट का एंड फाइनली क्लोजर रहा 46,486 पॉइंट का, यानी 9 पॉइंट का इजाफा आज मार्केट ने विटनेस किया गया। फ्लैट नोट पे मार्केट की एंडिंग रही। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट इनिशियल आवर्स में काफी हाई नजर आए थे, लेकिन क्लोजर के टाइम पे मार्केट के अंदर काफी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। फाइनली जो क्लोजर था मार्केट का वो फ्लैट नोट पे देखा गया। 100 इंडेक्स पे नजर डालते हैं, आज 100 इंडेक्स पे क्या मार्केट की पोजीशंस रही। ओपन हुई मार्केट 46,476.73 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 46,759.47, लोअर वॉज 46,472.15 एंड फाइनली क्लोजर रहा 46,486 पॉइंट का, यानी बिलो 46,500 रहा, 9 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 284.16 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं, कल के मुकाबले में ये इजाफा है 64.33 मिलियन शेयर का। वैल्यू रही 11.25 बिलियन रुपीज और वॉल्यूम लीडर्स यानी वो स्क्रिप्ट जिनमें आज ज्यादा एक्टिविटी देखी गई, एग्रीटेक लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1 रुपी के अपर लॉक के साथ। 8.37 पे क्लोजर, 19.13 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। लोटे केमिकल दूसरे स्कॉट पर 0.19 का इजाफा, 11.32 पे क्लोजर, 18.08 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। एसगार्ड 9 लास्टली 0.76 का इजाफा, 17.10 पे क्लोजर, 13.01 का कारोबार रहा। और टॉप सेक्टर्स में केमिकल्स इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 67.454 मिलियन शेयर के वॉल्यूम के साथ। फूड एंड पर्सनल केयर सेकंड स्कॉट पर 19.28 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। सीमेंट थर्ड स्कॉट पर 17 मिलियन शेयर का कारोबार रहा। टेक्सटाइल स्पिनिंग चौथे स्कॉट पर 16.30 एंड लास्टली टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन 15.95 का कारोबार रहा। यह था टॉप सेक्टर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल सेंटिमेंट्स मार्केट के पॉजिटिव हैं। एस एन महंती डायरेक्टर आरिफ हबीब ओवरकॉल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। आज की मार्केट परफॉर्मेंस अब इस हफ्ते के अगर आगाज से देखें, हम नेगेटिव थी और आज एक फ्लैट नोट पे मार्केट ने एंड किया है, व्हाट्स योर टेक ऑन? देखिए, आई थिंक डायरेक्शन इस वक्त पॉजिटिव है, लेकिन क्लोजिंग जो है फ्लैट है। कोई ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के अंदर रिकवरी देखी गई है कल, एंड आई थिंक उसका रिस्पॉन्स में जो है हमने देखा है कि ऑयल सेक्टर ने जो है मार्केट को लीड किया है। फर्टिलाइजर और ऑटो स्ट्रिप्स भी जो है आउट परफॉर्म की है। जब डेटा जब हमें रिसीव हुआ है लास्ट टाइम सीमेंट का और फर्टिलाइजर का, वो पॉजिटिव है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। इन्वेस्टर्स ने पोजीशंस ली है आज। इन्वेस्टर्स की पोजीशन काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, आपको दिख रहा है कि आज वॉल्यूम्स भी काफी इम्प्रूव होते हुए दिखाई दिए? जी हाँ, बिल्कुल, फॉरेन इन्फ्लोज भी हैं और इसके अलावा जो है वो डेटा भी काफी मुस्बत हमें ग्रोथ ओरिएंटेड नजर आया है, जिसके अंदर कार सेल्स का भी डेटा इम्प्रूव डेटा था। इसके अलावा जो सीमेंट सेल्स का भी जो डेटा था वो 14% तक सीमेंट सेल्स ग्रोथ हुई है। व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन जो अपकमिंग हमारे 2 डेज जो रह गए हैं मार्केट के, उसके उसमें क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ग्रीन जोन में मार्केट जो है परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, या हमारा जो क्लोजर है फ्राइडे के बाद हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव नजर आएगी? देखिए, गवर्नमेंट की एमनेस्टी स्कीम है, उसके ऊपर इस वक्त सारी स्पेकुलेशन देखी जा रही है। एमनेस्टी स्कीम फॉरेन फ्लोज जो है उनको बढ़ाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट का रुख करेगी, तो इन्वेस्टर्स काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। क्लोजिंग भी हो चुकी है, तो अब मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ के अंदर जो है अनाउंसमेंट भी देखे जा रहे हैं मार्च क्लोजिंग के। तो आई थिंक एक अर्निंग सीजन की जो रैली होती है वो मार्केट में इस वक्त देखी जा रही है। तो सर, बजट भी अभी जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और पेश किया जा रहा है 27 अप्रैल को। सर, हिस्टोरिकली ऐसा देखा जाता है कि बजट से पहले जो है मार्केट नेगेटिव जोन में ट्रेड करती है या फिर काफी फ्लैट हो जाती है, तो ये क्या यही हिस्टोरिकल मार्केट जो है इसको रिपीट कर रही है अपनी हिस्ट्री को? देखिए, आई थिंक इस वक्त बुलिश एक्टिविटी मार्केट में देखी जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें अभी भी प्रेशर देखा जा रहा है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर है। जब पॉलिसी रेट के अंदर कुछ रिविजन नहीं आया तो वहां पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, और पोस्ट एनुअल अनाउंसमेंट जो बैंकिंग सेक्टर के होते हैं वो कुछ करेक्शन वहां पर देखी जा रही है। बट डेटा चूंकि मुस्बत है, इकोनॉमिक डेटा इम्प्रूव हो रहा है, मार्केट के इन लेवल्स पे व्हाट्स योर रिकमेंडेशन टू द इन्वेस्टर्स?
देखिए इस वक्त इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, ट्रेड डेफिसिट का 27 बिलियन का जो नंबर है वो कोई मजबूत साइन नहीं दे रहा, तो आई थिंक कि गवर्नमेंट अगर अपने प्लान शो करे किस तरह से फाइनेंस करना है डेफिसिट को, करंट अकाउंट डेफिसिट को, तो आई थिंक कि ये एक बेहतर जो है डायरेक्शन मार्केट को दे सकता है. तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय. आई थिंक कि इस वक्त अर्निंग सीजन है, तो ऐसी सेक्टर जहां पे मजबूत रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, जिस तरह सीमेंट है, ऑटो है, वहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. थैंक यू सो मच एफएम मेहंती साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे. डायरेक्टर आरिफ हबीब, आपके काफी जो है वो जो एनालिसिस था, काफी डिटेल एनालिसिस किया मार्केट के ऊपर, मार्केट के सेंटिमेंट्स के ऊपर, क्योंकि ऑटो सेक्टर भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है. इसके अलावा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है वो वॉलेटाइल नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने जो है वो देखा था जो वीक के आगाज से ही कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे थे, और आज जो है उसमें कुछ चेंजिंग आई है, कुछ इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से आज की मार्केट में जो है वो कुछ हमें ग्रीन जोन में जो है वो ट्रेड करती हुई नजर आई. लेकिन काफी प्रॉफिट टेकिंग हुई, एंड जो है वो क्लोजर जो है वो मार्केट का जो है वो फ्लैट नोट पे हुआ, लेकिन समहाउ मार्केट के अंदर पॉजिटिवनेस नजर आई. इसके अलावा जो एमनेस्टी स्कीम है उसका भी ट्रिगर मार्केट में वर्कआउट करते हुए नजर आ सकता है. थर्सडे और फ्राइडे दो दिन रह गए हैं इस हफ्ते के अंदर, तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ जाएं और उसमें जो है वो कुछ क्लोजर में अच्छा जो है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट हम देख सकें, क्योंकि लास्ट वीक हमने जो देखा था कि मार्केट के अंदर काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मौजूद थे और क्यूमुलेटिवली मार्केट ने जो है बहुत अच्छा जेस्चर परफॉर्म किया था, लेकिन इस वीक के आगाज से कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन समहाउ देख सकते हैं हम कि पॉजिटिव जेस्चर जो है वो नजर आ सकता है. इसके अलावा अगर हम ऑयल सेक्टर की बात करें तो उसमें जो है वो आज इजाफा देखा गया है, और ओवरऑल अगर हम ऑयल एंड गैस दोनों को पैरेलल रख के बात करें तो गैस के अंदर एसएसडीसी ने जो है वो समरी पेश की है ओग्रा को कि कुछ गैस के जो प्राइसेस हैं उसके टैरिफ में कुछ इंक्रीज किया जाए. अब ये देखते हैं कि आगे वो ओग्रा की जानिब से जो है वो मंजूर होती है या नहीं होती है, लेकिन जो है वो उसमें एक्सपेक्टेशन है कि आगे जो एसएसडीसी के अंदर गुंजाइश नजर आ सकती है. इसके अलावा अगर मार्केट के अंदर वो सेक्टर्स या वो स्ट्रिप्स जिनमें आप देख रहे हैं गुंजाइश नजर आ रही है, या वो स्ट्रिप्स जिनके बारे में कुछ न्यूज एक्सपेक्ट की जा रही है, तो उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट का टाइम है, लेकिन उसमें काफी जो है वो फिर भी स्पेकुलेशंस हैं. अपने जो है वो न्यूज पर फोकस करके जो है इन्वेस्टमेंट की जाए तो उससे जो है वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है. इसके अलावा अगर अभी हम बजट के हवाले से अगर बात करें तो बजट में जो है वो 27 अप्रैल को पेश किया जा रहा है, उसके अंदर कुछ जो टैक्स हैं उनमें लीनियंसी दी जा रही है मार्केट के हवाले से, जैसे कि बोनस शेयर हैं उनमें कुछ जो है वो कहा जा रहा है कि उनमें कुछ कमी की जाएगी और उसमें जो है उसके प्राइस में कमी की जाएगी. तो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है न्यूज की से जो है वो ये एक्सपेक्टेशन है कि बजट के बाद पोस्ट बजट जो है हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर कुछ और बूम नजर आएगा. और इसके अलावा केयरटेकर गवर्नमेंट आ रही है तो उसके ऊपर भी कुछ कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिव जो है वो नेगेटिविटी आ सकती है, लेकिन समहाउ ये कहा जा रहा है कि मार्केट के अंदर जो है वो न्यूट्रल सिचुएशन या न्यूट्रल इम्पैक्ट नजर आएगा, इस पर कोई जो है वो हार्श जो है इम्पैक्ट नजर आने का इम्कान नहीं है. और ओवरऑल अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो कुछ वो आजकल बनते हुए नजर आ रहे हैं. जैसे हमने देखा कि मार्केट के अंदर आज ऑयल प्राइसेस में इजाफा देखा गया और मार्केट जो है वो एक फ्लैट नोट पे लेकिन ग्रीन टेरिटरी में परफॉर्म करते हुए नजर आई और प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई. इन्वेस्टर्स जो है वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में नजर आ रहे हैं क्योंकि एमनेस्टी स्कीम के ऊपर कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डाउट्स हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एमनेस्टी स्कीम से ये फायदा होगा कि जो इकोनॉमी है उस पर जो है पॉजिटिव असर आएगा. इसके अलावा जो फॉरेन इन्फ्लोज हैं वो आना शुरू हो गए, आज भी हमने देखा कि फॉरेन बाइंग देखी गई. तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एमनेस्टी स्कीम से मार्केट के अंदर जो है वो ट्रिगर आ सकते हैं और नेक्स्ट वीक के अंदर ये ट्रिगर आते हुए नजर आ सकते हैं. इसके अलावा अगर हम और चीजों की बात करें तो ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर के अंदर काफी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है और कुछ प्राइसेस जो हैं वो होंडा की जानिब से बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसमें जो है हम देख सकते हैं कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नजर आ सकते हैं. कमोडिटीज देखते चलते हैं कि कमोडिटीज के फॉरेक्स के क्या लेटेस्ट अपडेट है. गोल्ड की पर तोला प्राइस 58,504 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 50,211 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड 1,346.32 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 65.51 डॉलर, ऑयल ब्रांड क्रूड पर बैरल 71.04 डॉलर. करेंसीज में सबसे पहले US डॉलर बाइंग रही 116.60, सेलिंग वॉज 117.40. UK पाउंड बाइंग रही 164 रुपीज, सेलिंग वॉज 165.75. यूरो बाइंग रही 142.25, सेलिंग वॉज 143.45. सऊदी रियाल बाइंग रही 30.90, सेलिंग वॉज 31.85. UAE dirham buying at 31.60, selling was 31.85. Japanese yen buying at 1.06, selling was 1.09.
Chinese yuan buying at 18.30, selling was 18.45, and lastly Kuwaiti dinar buying at 383.50 rupees, selling was 386 rupees. ये था forex और commodities का latest update. Oil prices में आपने देखा कि minor इजाफा हमने देखा गया है. इसके अलावा LNG की जो products हैं उसके अंदर भी जो है हम देख रहे हैं कि 2500 मेगा जो वॉट है उसको पावर प्लांट के अंदर जो है फंक्शन करने के लिए कहा गया है, तो वो भी एक अच्छी न्यूज है मार्केट के लिए. इसके अलावा डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने बजट में चाह रहे हैं कि कुछ उनके लिए जो है वो टैरिफ रखा जाए या उनका जो इम्पोर्ट है उसकी इजाजत दी जाए जो मिल्क पाउडर है. तो ओवरऑल मार्केट के अंदर ये न्यूज भी है जो वर्कआउट करते हुए नजर आ रही है, और ये एक्सपेक्टेशन है कि बजट जो आ रहा है उसमें जो है वो क्या लीनियंसी दी जाती है, कौन से टैक्स पर रिलीफ दिया जाता है, और इसके बाद मार्केट के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट आता है, उन तमाम चीजों का जो है वो वेट करते हुए इन्वेस्टर नजर आ रहे हैं. इसके अलावा अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर के हमने देखा कि बाइंग काफी देखी गई थी लास्ट टू वीक्स से. मॉनेटरी पॉलिसी के आने से पहले हमने देखा था कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफी जो है वो बाइंग नजर आ रही थी. HPL, UBL, NBB और तमाम जो स्क्रिप्ट हैं बैंकिंग सेक्टर के उसमें काफी बाइंग नजर आ रही थी. लेकिन उसके बाद जब मॉनेटरी पॉलिसी आई, क्योंकि जो एनालिस्ट हैं वो ये प्रिडिक्ट कर रहे थे या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर 25 बेसिस पॉइंट का मॉनेटरी पॉलिसी में या फिर 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया जा सकता है. लेकिन अब देखा गया कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई और उसमें कुछ इजाफा नहीं किया गया, उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव आया बैंकिंग सेक्टर पे. दैट्स ऑल फ्रॉम अस. प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. वाइंड अप करने से पहले आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें जिसके जरिए आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, विच इज गोल्स@btv.com.pk. आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.